हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल चारदे। आओ भाग करना सीखे। इस सीरीज के पार्ट टू में हम थोड़े बड़ी संख्या से गुणा करना सीखेंगे, सॉरी भाग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आठ का पारा लिखा है और आठ से ही विभाजित करना सीखेंगे संख्याओं को। मैंने लिया यहाँ पर 72 और मैंने दिया आठ का भाग। प्रश्न संख्या ले लेते हो, 1, 2, 3 नंबरिंग आप कर लें। नंबरिंग भूल जाते हैं हम करते हुए, तो आप ध्यान रखें नंबरिंग, ठीक है। कोई नंबर अगर गलत हो जाता है तो कोई इशू नहीं होता है, कोई बात नहीं होती कि ऐसा क्यों हुआ। आठ का भाग देंगे 7 में। 8 7 से बड़ा है, 7 छोटे हैं, तो हमें दो संख्या लेनी पड़ेगी 72, क्योंकि 1 8 8। 8 से कम संख्या में अंदर होती तो हम भाग नहीं दे सकते हैं। 8 का पारा जब मैं बोलती हूँ पूरा, तो मैंने बोला 8 का पारा जब मैं 9 बार बोलती हूँ, 8 9 72 या 9 8 72, तो 9 8 72 मैंने 9 बार भाग दिया और 72 मेरा आ गया। माइनस किया 2 में से 2, हमेशा पीछे से घटाते हैं भैया, आगे से नहीं घटाते। 2 में से 2 गए 0, पीछे की संख्या में 0 लिख दो और आगे क्या आ गया, 7 में 7 गए, क्रॉस लगा दो। आप यहाँ कटस भी लगा सकते हो, क्रॉस भी और 0 भी लिख सकते हैं। मैं कहूँगी कि सेकेंड वाली जगह पर आप 0 ही लिखें, क्योंकि इसका कारण आप अभी आगे समझ पाओगे। दूसरा सवाल लेती हूँ मैं, सवाल नंबर 2। और मैं कोई सी भी संख्या जो मुझे मेरे मन को हो जाए कि ये लेना चाहिए वही ले लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं सोचती। मैंने लिया 108 और अब मैं देती हूँ 2 का भाग 2 का नहीं 8 का, क्योंकि हम बड़ी संख्याओं से भाग करना सीख रहे हैं। देखो 10, 1 में नहीं दे सकती क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जो मेरे पास है वो 8 है, इससे छोटे नंबर में भाग नहीं दे सकते, तो मैंने 10 लिया। अब 1 8 8 2 8 16 ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं क्या लूँगी, 1 बार 1 8 और 8 में यहाँ नहीं लिखूँगी। अगर आप 8 यहाँ लिखते हो तो गलत है, 8 क्योंकि 1 से बड़े हैं तो यहाँ दाई के अंक पे लिखेंगे। अब आप सीधे सीधे 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और अब आप उतार लेंगे 8, आपके पास हो गया 28। 8 का पारा इतनी बार बोलो कि 28 आ जाए, तो 3 8 24 और 4 8 32 ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, 3 8 24, 8 में से 4 घटाऊँगी स्टूडेंट, तो मेरे पास क्या बचेगा, 4, और 2 में से 2 गया तो क्रॉस। अब भाग नहीं जा सकता, भागफल 13 और शेषफल 4 आप लिखेंगे उत्तर। क्वेश्चन नंबर, भागफल शेषफल भाजक भाज्य में लिखाना सिखा चुकी हूँ, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक हम दे देंगे। नंबर तीन पे हम सवाल सीखते हैं और बड़ा कर लेते हैं। 5 0 4 कुछ भी संख्या ले ली मैंने आप, और 8 का भाग दिया। 8 का भाग 5 में नहीं दे सकती क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 8 है, 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो मैं लूँगी 50। 50 में 8 का भाग दूंगी, तो देखो 8 5 40, 8 6 48, 7 8 56, तो ज़्यादा हो रहे तो मैं क्या दूंगी, 6 8 48, 6 बार भाग दूंगी स्टूडेंट, कितनी बार, 6 बार मैंने लिखा 48। देखो आप अंकों को लिखने का तरीका सीखिए, 0 के नीचे 8, 5 के नीचे 4, माइनस करो। 0 में से 8 नहीं घटाया जा सकता, आप 5 में से 2 डालेंगे 10, 10 में से 8 गए तो बचे 2, और 5 की जगह आपके पास 4 रह गए, 4 में से 4 गए तो आपका क्रॉस, आपने उतारा 4, ठीक। 24 हो गया, 8 का पारा इतनी बार बोले कि 24 आ जाए, तो 3 8 24 आपका भाग हो चुका है, 4 में से 4 गए क्रॉस, 2 में से 2 गए क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं और आप देखिए यहाँ पर हम भाग करते हैं कुछ और बड़ी संख्याओं के साथ, 1 1 2 5 कुछ भी ले सकते हैं, और अब मैं 8 का भाग देती हूँ। 8 का भाग 1 में नहीं जा सकता बता दिया, क्योंकि मेरे पास 8 है सबसे बड़ा, 11 में दूंगी तो 1 8 8 2 8 16 ज़्यादा हो जाते हैं, 8 का लिखूंगी इस दूसरे वाले 8 के नीचे, 1 के नीचे, और अब सीधा 11 में से 8 घटाऊंगी तो मेरे पास बचेंगे 3, और मैं क्या उतारूंगी, 2 मैंने उतार लिया। 8 का पारा इतनी बार बोलूँ कि मेरे क्या जाए, 32, तो मैंने देखा 8 4 32 है ना, 4 8 32, 4 8 32 माइनस, 2 में से 2 गया, 0 लगाओ। पीछे कभी भी क्रॉस नहीं लगाना, क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे आएंगे जहाँ पर हमारे ये 0 की जगह क्रॉस लगा दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। 3 में से 3 गए, क्रॉस लगा दो। अब आपने क्या बचा, 5। अब मेरे पास पीछे कोई संख्या नहीं है स्टूडेंट, तो अब मैं क्या करूँगी, 8 का भाग 5 में नहीं दे सकती, तो आप यहाँ लगा दो भाग टूट की बिंदी और इस सवाल को यहीं ख़त्म कर दो। अभी दशमलव वाले भाग हम नहीं सीख रहे हैं, ठीक है।
और ये आपका सवाल फिलहाल पूरा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, देखो कुछ और एक सवाल। अब हम हाई लेवल के थोड़े और सवाल करते हैं, ठीक है। सपोज करो मैं 1000 में 8 का भाग देती हूँ, तो कैसे कैसे दूँ? सबसे पहले 1 में नहीं जाएगा, 10 में देती हूँ, 1 8 8, और 8 का लिखूँगी सेकेंड नंबर वाले जीरो की तरफ। 10 में से 8 गए, बचे 2, आपने एक जीरो उतारा, ठीक। अब 20 में 8 का पहाड़ इतनी बार बोलो 20, 20 नहीं तो कम, तो 1 8 8 2 8 16, 20 में से 16 जाएंगे तो स्टूडेंट क्या बचेंगे? 4। ये आसान होता है कि दाएँ उधार लिए फिर ऐसे घटाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 20 में से सीधा 16 घटा लो। अब आपको क्या लिखना है? 0। 40 हो गए, 5 8 40 होते हैं, है ना, पहाड़ा लिख रखा है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट, आप पहाड़े मेरे साथ देखते जाइए और करते जाइए, ठीक है। 0 में से 0 गया, क्रॉस लगा दो, 4 में से 4 गया क्रॉस, क्योंकि पीछे कोई संख्या नहीं बची। चलते आगे और बड़े स्टूडेंट आते हैं थोड़े बड़े लेवल पे। 12 का भाग देते हैं इस संख्या में 1025 में, यहाँ 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक, देखो। तो मैं यहाँ 12 में भाग देती हूँ, यहाँ मैं अंक भी बढ़ा लेती हूँ, इसको बाद में देखेंगे। 14, 12 का भाग देती हूँ 14 में, तो देखो 1 12 12 2 12 24 ज़्यादा जाएंगे, यहाँ 2 अंक तो यहाँ पर भी 2 अंक, तो हमने लिया एक बार, कितनी बार लिया? एक बार, और मैंने कर दिया 12। 14 में से 12, 4 में से 2 बटाती हूँ तो 2, और 1 में से 1 गया क्रॉस, और अब मेरे को क्या उतारा? 2। 12 का पहाड़ा इतनी बार बोलूँ 22 सच है, तो 2 बार बोलती तो 24, तो 1 12 12। 2 में से 2 गया 0, मैंने कहा था ना सेकेंड स्थान पे हमेशा 0 लगाना, क्रॉस मत करना, और 2 में से 1 गया तो 1। अगर क्रॉस लगा देते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता, और आपने क्या लिखा? 5। अगर मैं यहाँ क्रॉस लगा देती तो आप भाग ही नहीं दे पाते कि ये कैसी संख्या हो गई, पर अब जब मैंने 0 लगाया, मैंने हमेशा कहा कि पीछे 0 लगाया करो, तो इससे अब हमारा हो गया 105। अब 12 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 105 हो जाए, अगर नहीं हो तो उससे कम, तो देखो 9 12 108 होते ना, ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी? 8 12 96, और ये 9 6, ये 9 यहाँ आगे नहीं लिखना 1 के यहाँ पर, अगर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अब 5 में से 6 नहीं कटेंगे, तो यहाँ से दाएँ उधार लेंगे, कितना हो गया? 15। 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9, और यहाँ पर जाएंगे 9 और यहाँ हो जाएंगे 0, तो अब 9 में से 9 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0, और 1 की जगह यहाँ 0 हो चुका है, अब 0 लिख दें या क्रॉस लगा दें। आगे आप क्रॉस लगा सकते हैं, पर पीछे तो आपको 0 ही लगाना है अगर कोई नंबरिंग है। अब देखो यहाँ 12 या 9 अब भाग नहीं जा सकता, और अब इस सवाल को हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? यहीं पर छोड़ना होगा, अब आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि दशमलव अभी हम नहीं सीख रहे हैं। अब स्टूडेंट हम 19 का भाग देंगे किसी भी नंबर पे, ठीक है। ये सवाल ले लिया और मैं 19 का भाग दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले 3 में नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ 2 अंक है, तो 2 अंकों में देना है। तो 19 का पहाड़ा जब मैंने 2 बार बोला तो 1 × 2 × 2 = 38, कितनी बार? 2 बार। माइनस 8 में से 8 गया क्रॉस, 3 में से 3 गया क्रॉस, 9 मैंने उतारा, भाग नहीं जाएगा, भाग टूट के बिंदी लगाऊंगी, और फिर मैं क्या उतारूंगी? 5। मेरा कितना हो गया? 95। अब मैं 2 का भाग 19 का भाग दूंगी इतनी बार 95 में कि चला जाए, नहीं जाए तो कम, तो 5 × 95, तो मैंने लिख लिया 5 × 95। माइनस 5 में से 5 गया क्रॉस, 9 में से 9 गया क्रॉस, दोनों जगह क्रॉस है तो ठीक, सेकंड प्लेस पे तो मैंने आपको क्या रखा है? पीछे 0 ही लगाया करें आप। एक क्वेश्चन स्टूडेंट ही आता है कि यहाँ पर भाग टूट की बिंदी में हमने क्यों नहीं लगाई, तो बेटा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सवालों में चीज़ें क्लियर होती जाएगी। अगर मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट अगर यहाँ सिखाने लगी तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे, ठीक है। जब आप इन दोनों को गुणा कर दोगे और ये जोड़ दोगे तो ये संख्या अगर आ जाती है तो बस आपको इतना ही सीखना, तो आप जब इन दोनों को गुणा करोगे और इसमें ये जोड़ दोगे तो ये संख्या आ जाएगी, बस इतना ही अभी ध्यान रखें और ज़्यादा डीपली नहीं जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए मल्टीप्लाई और डिवाइड, भाग और गुणा के सवाल मैं आपको यहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिखा रही हूँ। आने वाले समय में इसका पार्ट 3 लेकर आऊँगी और पार्ट 4 भी लेने की कोशिश करूँगी स्टूडेंट, और बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए भाग
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वंस अगेन स्टूडेंट्स।